नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा छठी, विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें अब हम पाठ 5 की शुरुआत करेंगे। हमारा घर पृथ्वी। आप जानते हैं कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह गोल है, ऐसा आपने सुना है, पढ़ा है और देखा भी होगा। आप पृथ्वी पर जहाँ खड़े हैं वहाँ से कभी भी उसके संपूर्ण आकार का पता नहीं चल सकता, क्योंकि पृथ्वी अत्यंत विशाल है। क्यों? हमने खाली सिर्फ सुना है कि पृथ्वी गोल है, उसका खाली चित्र देखा है ना विद्यार्थियों, तो जिस तरीके से हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन हम उसके संपूर्ण आकार को नहीं देख सकते, क्योंकि वो अत्यंत विशाल यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी है। पृथ्वी गोल है ऐसा लगता क्यों नहीं है? क्या पृथ्वी सचमुच गोल है? किसके जैसी है? ज़रा कल्पना तो कीजिए। क्या पृथ्वी सचमुच गोल है? तो आप क्या उसके बारे में थोड़ी सी कल्पना कर सकते हो? चलिए आगे। चंदा मामा कहते हैं, मेरी आँखों से ये या मुझ पर आकर देखो। अनेक अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष से पृथ्वी के फोटोग्राफ लिए हैं, उन्हें देखिए। चलिए, अब चंदा मामा ने क्या कहा कि तुम मुझ पर आकर देखो, जिन्होंने पृथ्वी की फ़ोटोग्राफ ली है। देखिए, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, और यहाँ पर आपको पृथ्वी की फ़ोटोग्राफ दिखाई गई है, फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। चलिए अब आगे, पृथ्वी का नमूना हमें यहाँ पर देखिए, अपनी पाठशाला से ग्लोब लेकर उसका निरीक्षण कीजिए, उसमें आपकी समझ में से जो आए उसे नोट कीजिए। ये कुछ आड़ी और खड़ी रेखाएं होगी, वे काल्पनिक ही है, ऐसी रेखाएं पृथ्वी पर ही खींची हुई नहीं है। ऐसी आड़ी रेखाओं को अक्षांश वृत्त तथा खड़ी रेखाओं को देशांतर या रेखांश कहा जा सकता है। अब देखिए, आपको यहाँ पे ग्लोब दिख रहा है, पृथ्वी का गोला दिखाई दे रहा है, इस तरीके की हमारी पृथ्वी है। जिस तरीके से आपको ये आड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है इसके ऊपर, वह क्या है? अक्षांश वृत्त है, और जो खड़ी रेखाएं उसे रेखाओं तथा देशांतर या रेखांश कहा जा सकता है। चलिए आगे, ग्लोब पर एकदम मध्य में खींची हुई आड़ी रेखा पर क्या लिखा हुआ है? इस रेखा के उत्तर तथा दक्षिण भागों को क्या कहते हैं? ग्लोबल के बीचों बीच खींची हुई इस मोटी गाढ़ी रेखा से थोड़ी दूर पर उत्तर और दक्षिण में दूसरी मोटी गाढ़ी रेखाएं हैं, उन्हें क्या कहा जा सकता है, जिनके बारे में हम जानकारी लेते? देखिए, इस तरीके की आकृति आपको दर्शाई गई, ये सीधी, ये दो भाग में बटा हुआ, ये तीन में, ये ऊपर नीचे, इस तरीके से बीच में बटा हुआ है। नीचे दी गई आकृति में नाम निर्देश कीजिए। चल ये आगे, एक ग्लोब लीजिए, उस पर आकृति में दर्शाए हुई दिशा और दूरी से टॉर्च का प्रकाश डालिए और नीचे पूछे गए प्रश्नों को नोट कीजिए। चलिए, यहाँ पे हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे अधिक प्रकाश किन अक्षांशों के बीच है? किन अक्षांशों के बीच सबसे कम प्रकाश है? किन अक्षांशों के बीच मध्यम प्रकाश पड़ता है? ग्लोब, एटलस और दुनिया के नक्शे मानचित्र की मदद से प्रकाश वाले भाग में स्थित देशों के नाम की सूची बनाइए। तो आप देख सकते हो कि किसमें ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है, तो ये वाली जो लाइन है इसमें ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है, और किसमें सबसे कम प्रकाश पड़ रहा है। चलिए अब आगे, देखिए सामने दी गई आकृति में पृथ्वी तापमान, गर्मी, ठंडी के आधार पर स्पष्ट रूप से अलग विभागों में बटी हुई है, जिन्हें कटिबंध कहते हैं। कम ज़्यादा प्रकाश और गर्मी पाने वाले इन कटिबंधों को नीचे दिए गए अनुसार तीन भागों में बांटा गया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, तो इनको तीन भागों में बांटा गया है इस तरीके से। पहला देखिए, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध।
ठीक है, इस तरीके से इसके तीन भागों में यहाँ पे इसे दर्शाया गया है, जिस तरीके से गर्मी ठंडी होती है ना उसमें। चलिए आगे देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर कुछ बताया हुआ है, जैसे समशीतोष्ण कटिबंध सूर्य की थोड़ी तिरछी किरण, गर्मी ठंडी लगभग समान। शीत कटिबंध सूर्य की किरणें तिरछी, उष्ण कटिबंध सूर्य की सीधी किरणें अतिशय गर्मी। ठीक है, हमें तीन भाग पता चल गए। समशीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है, सूर्य की तिरछी किरणें जिससे हमें गर्मी ठंडी दोनों बराबर समान भाग में लगती है। शीत कटिबंध में क्या होता है, हमें सूर्य की तिरछी किरणें मिलती है। उष्ण कटिबंध में क्या होता है, हमें अतिशय गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव होता है। किसी भी प्रदेश में मौसम की जानकारी वहाँ पड़ने वाली गर्मी यानी कि तापमान के आधार पर प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय समाचार में प्रतिदिन टीवी पर दी जाती है, उसे देखिए। देखिए आगे, महाद्वीप और महासागर। हम ग्लोब का निरीक्षण करें तो पहली ही नज़र में हमें भूमि तथा जल के खंड स्पष्ट दिखते हैं। भूमि के इन बृहद खंडों को महाद्वीप तथा जल वाले भाग को महासागर कहा जाता है, हम महासागर कहते हैं। बच्चों आप एटलस ग्लोब तथा विश्व का प्राकृतिक मानचित्र प्राप्त करें, उसकी मदद से महाद्वीपों तथा महासागरों के नाम खोजें, उसे नीचे दिए गए रेखांकित नक्शे में उचित स्थान पर लिखें। तो आपको यहाँ पर उन्हें दर्शाना है, विश्व का रेखांकित नक्शा। चलिए आगे, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है और 4 महासागर है, ये प्रश्न आप की परीक्षा में पूछा जा सकता है। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 4 महासागर हैं। नीचे दिए गए खानों में जहां महाद्वीपों के नाम लिखे हुए हैं वहां उनके चित्र एटलस की मदद से बनाएं। चलिए, एशिया, यूरोपिया, अफ्रीका, अब आगे देखिए, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए, यहाँ 7वां महाद्वीप कौन सा, 7वां महाद्वीप अटलांटिका नहीं दिया गया है। विश्व में यह मात्र एक ऐसा महाद्वीप जो है, ये महाद्वीप हिमाच्छादित रहता है। इस महाद्वीप में मानव आबादी नहीं है, इसमें भूभाग पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। ठीक है, यह महाद्वीप हमें यहाँ नहीं दर्शाया गया है। चलिए, अब यहाँ पर आपका स्वाध्याय समाप्त होता है। तो ये जितने भी प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको लिखने हैं, ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।